जायंट व्हील कार। माधवपुर नाम के गांव में शुभम नाम का एक लड़का रहा करता था। उसे हमेशा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल करवाने की खूब इच्छा थी। उसके कारण वो बहुत सारे विचित्र काम किया करता था, जैसे कि उल्टा चलना, हाथों के बल पर चलना, एक घर से दूसरे घर पर कूदना, ऐसे खूब किया करता था। एक दिन वो जब एक कुएं की दीवार पर खड़ा हुआ था, एक दूसरा आदमी वीडियो कैमरा पकड़ा हुआ था। रे, कुएं के इस दीवार पर 36 घंटे कूदते रहने से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। पहले एक आदमी 35 घंटे कूदा, आखिर में उसी कुएं में गिरकर मर गया। तुम अच्छे से वीडियो निकालना। 1, 2, 3 स्टार्ट। कहते हुए कूदने लगा। इस तरह कुछ देर कूदने के बाद कुएं के उस पार गिर गया। वो शायद कुएं में गिर गया होगा सोचकर वीडियो निकालने वाला बचाओ बचाओ यूं चिल्लाने लगा। तब सारे लोग भागते हुए आए। सब कुएं में झांककर देखते हुए बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। इतने में कुएं के उस पार गिरा शुभम भी उठकर कुएं में झांककर बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। उसे देखकर एक रे, ये क्या, तुम कुएं में नहीं गिरे और तुम क्यों भला बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हो? क्यों, मैं कुएं में नहीं गिरा तो बहुत दुखी हो गए? मुझे लगा कोई गिर गया होगा कुएं में, इसलिए चिल्ला रहा था। छी, तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है क्या रे? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दाखिल होने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास करने वाले जैसे तू गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जरूर दाखिल हो जाएगा। हाँ, बोलते रहो, एक दिन जब मुझे रिकॉर्ड मिल जाएगा तब बताऊंगा तुम लोगों को। एक दिन एक भिखारी भैया दान दे यूं भीख मांग रहा था। रे बूढ़े, तुम्हारा कोई नहीं है क्या? कोई नहीं है भाई, सब छोड़कर चले गए। तो जो भीख में मिलता है वो काफी होता है क्या? कब से मांग रहे हो? 10 साल से भीख मांग रहा हूँ बेटा। कभी कभी काफी हो जाता है, जिस दिन कम पड़ जाता है तो खाली पेट सो जाता हूँ। वैसे आप कोई मदद करने वाले हो क्या बाबू? ये भीख मांगने वाले लोगों का क्या ये देश और लोग परवाह नहीं करते? इसका क्या कोई अंत नहीं है क्या? अब सरकार और संगठन कहाँ गए? सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, बाकी इस देश के सारे भिखारियों के लिए मैं साइकिल पर हिमालय तक साइकिल यात्रा पर जाऊंगा। यही एक रिकॉर्ड बनेगा। श्रीमान, आप साइकिल पर जाओगे तो उससे मेरी भूख कैसे मिटेगी? मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम्हें वो सब नहीं समझ आएगा, जाओ जाकर भीख मांगो। कहते हुए निकल गया। फिर वो साइकिल पर शुरू हो गया। अगले दिन गांव में उसे देखकर एक क्यों रे, साइकिल यात्रा पर जाने वाले थे ना, क्या हुआ? निकलते ही साइकिल पंचर हो गया रे, और तो और पता चला कि वो रिकॉर्ड ऑलरेडी कोई किया हुआ है, तो अब करके क्या फायदा, सोचकर रुक गया। ये सुनकर वो अपना सर पकड़ लिया। एक दिन शुभम, मेरे प्रिय गांव वालों, मैं एक नया रिकॉर्ड बनाने वाला हूँ। रस्सी पर एक इंसान को चलते हुए तो आप लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन कार को चलते हुए क्या आपने कभी देखा है? इसलिए हमारे गांव के तालाब के ऊपर लगे हुए रस्सी पर मैं कार में जाऊंगा, तब गिनीज रिकॉर्ड मुझे ही मिलेगा। इस तरह फिर वो अपने कार को बड़े बड़े व्हील्स लगाया। बिना टायर्स के बड़े बड़े व्हील्स लगे कार को जाते हुए देखकर गांव वाले हैरान होकर देखने लगे। जैसे वो गांव वाले देख रहे थे, वो कार रस्सी पर चलने लगी। कुछ दूर जाने के बाद क्यों रे गांव वालों, बस अब कुछ दूर जाऊंगा तो उस तरफ पहुंच जाऊंगा, तब रिकॉर्ड बन जाएगा। तुम सब ने मुझे क्या क्या कहा था कि मैं किसी के लायक भी नहीं हूँ, अब देखो बेवकूफ लोग। कही रहा था कि वो रस्सी टूट गई, कार पानी में गिर गई। तैरना नहीं जानने वाला शुभम पानी में डूबते डूबते बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। तब भिखारी तुरंत पानी में कूदकर उसे बचाया। देखो बेटा, हम जो भी काम करते हैं उसका एक अर्थ और परमार्थ होना चाहिए। भिखारी की कोई मदद करना चाहो तो उन्हें कुछ भीख दे दो, ना कि कोई साइकिल यात्रा पर जाओ। अभी इन सबको इतना सुनाया कि तुम्हें बचाने तक कोई आगे नहीं आया। कम से कम अब से किसी के काम आने वाला काम करो। 4 लोगों का भला करोगे तो उसी में भलाई है, वो गिनीज रिकॉर्ड से भी महान होगा। उस दिन से शुभम गांव में सबकी मदद करके अच्छा नाम कमाया। लॉकडाउन सुपरमार्केट।
एक गांव में ज्योति सुपरमार्केट हुआ करता था। उसके मालिक का नाम पवन था। उस गांव में हेमंत नाम का एक चोर रहा करता था। उसे नींद बहुत ज्यादा थी। दिन भर वो सोया ही रहता था और रात में चोरियां करता था। अगर किसी दिन वो चोरी करने नहीं गया तो दिन और रात दोपहर सोया करता था। वैसे वो हमेशा नींद में ही रहता था। बस या ट्रेन में चढ़ते ही उसे तुरंत नींद आ जाती थी। एक बार वो मास्क पहनकर सुपरमार्केट में गया। लोग वहां कतार में खड़े थे। सिक्योरिटी वाला थर्मल स्कैनिंग करके हाथ पे सैनिटाइजर किया। वो देखकर हेमंत, पता नहीं ये पनवती कब जाएगी यहां से। सबके चेहरे पे मास्क होता देख कौन क्या है पता नहीं चल रहा है, लेकिन मुझे कर्जा देने वाले से छुटकारा जरूर मिल गया है, क्योंकि वो लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे, वो एक खुशी की बात है। वो अंदर शॉपिंग करते हुए अचानक सो गया। बाद में उठते ही देखा कि शॉप बंद हो गई। कैश काउंटर में देखा तो उसे पैसे दिखाई दिए। तुरंत उसे उठाकर जेब में डाला। वहां पे उसे एक वाइन बॉटल भी दिखाई दिया, तो उसे लेकर, आहा, इस शॉप में तो वाइन बॉटल भी मिल गया, कितना किस्मत वाला हूँ मैं। चिप्स पैकेट भी कहीं पे मिल गया तो मामला तो मस्त हो जाएगा, सोच के चिप्स पैकेट भी उठा लिया। वैसे वो वाइन पीकर चिप्स खाकर एंजॉय करने लगा। बाद में वो नोटिस बोर्ड में लिखा एक फोन नंबर को देखकर उसके मोबाइल से फोन किया। घर में पत्नी के साथ रहा पवन को फोन आए। हेलो, कौन है जी आप? ज्योति सुपरमार्केट का ओनर पवन बोल रहा है, आप ही है ना? हाँ मैं ही हूँ, बोलिए। कुछ नहीं साहब, शॉप कब खोलेंगे वो पता लगाने के लिए फोन किया साहब। अभी शॉप बंद करके आए हैं, लॉकडाउन है ना, इसलिए 6 बजे बंद कर देते हैं। सॉरी सर, कुछ मत सोचिए। इट्स ओके सर, नो प्रॉब्लम। एक घंटे के बाद फिर से फोन करके, हेलो, ज्योति सुपरमार्केट का ओनर पवन बात कर रहे हैं? हाँ जी मैं ही हूँ, क्या चाहिए आपको? सर शॉप कब खुलेगी? कुछ देर पहले बंद किए, बोला था ना तुम्हें, क्या चाहिए आपको? सॉरी, ठीक है कहकर फोन रख दिया। कुछ घंटों के बाद फुल पी के फिर से फोन किया हेमंत। हेलो, ज्योति सुपरमार्केट का ओनर पवन जी ही बात कर रहे हैं? हाँ मैं ही हूँ, बोल क्या चाहिए? शॉप कब खोलेंगे साहब? ए, तुझे काम धंधा नहीं है क्या? अक्कल तेरा घास खाने गया है क्या? कितने बार बोल रहा है तुझे, सुबह 8 बजे के बाद शॉप खोलेंगे, रख दे फोन। क्या 8 बजे के बाद खोलेंगे? तो मैं बाहर कैसे आऊँ? तू कैसे बाहर जाएगा? मतलब तू बाहर जाने का और मेरा शॉप खोलने के बीच क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है पूछ रहा है? अरे बेवकूफ, मैं तेरे ही शॉप में अंदर बंद पड़ गया। क्या, मेरे शॉप में? नहीं तो, कस्टमर सभी गए या नहीं बिना चेक किए कैसे बंद कर दिए अपने शॉप को? नीच कमीने, मुझे अभी बाहर जाना है। मैं जाऊँ तो शटर तोड़ के निकल सकता हूँ, बाद में अगर कोई आके चोरी किया तो वो केस मेरे ऊपर तू ठोक देगा। नहीं भाई, नहीं, तोड़ मत, मैं तुझे हाथ जोड़ता हूँ। अब आई बात ठिकाने पे। अरे वो कैश काउंटर पे कुछ पैसे है, 52,000 कुछ बोलने जा रहा था। हाँ 52,918 रुपए है जी। हाँ, वो मैं ले गया, लॉकडाउन में बिना पैसों की तकलीफ हो रही थी, ये मुझे काम आएंगे। क्या पैसा उठाया? ए चोर कहीं का, रुक पुलिस को फोन करके मैं तेरे इलाज करवाता हूँ। क्या रे, मैं अगर चोर हूँ तो तू क्या शांत है? तेरे शॉप में सारे सामान नकली है, पुलिस को बोलने की कोशिश की तो तेरा दुकान जला डालूंगा। चुपचाप अकेले आके शॉप खोल, मुझे बाहर जाना है, चोर कहीं का, कह के गालियां देने लगा। साहब साहब, वैसा मत कीजिए, उसके ऊपर ही मेरा परिवार निर्भर है, मैं उसी पे जी रहा हूँ, तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ साहब, मेरे शॉप को कुछ मत करो, कह के रोने लगा। छी छी छी, पनवती कहीं का, रोना बंद कर रोना। तो पवन तुरंत रोना बंद कर दिया। तू गलती करके मेरे ऊपर क्यों रो रहा है? तुरंत मुंह साफ कर। तो पवन तुरंत मुंह साफ किया। हंस। तो पवन तुरंत कह के हंसने लगा।
और ठीक से हंस, और ज्यादा हंस, हाँ हाँ वैसे ही हंस, फेस वैसे ही रखना हमेशा। कमान कमान जल्दी आके ताला खोल कुत्ते। तो पवन भागते हुए शॉप के पास आया, शटर उठाते हुए, ए भगवान ये कौन है जो मेरे शॉप में घुस गया? ये महीना तुम्हारा अच्छा जाएगा कह के मैंने ज्योतिषवाणी में पढ़ा था, तो लगता है यही वो अच्छे दिन है। सोच के उसने शटर खोला, बात खत्म। तुरंत हेमंत पीछे से आके पवन के कमर पे लात मारा। पवन अंदर गिरते ही हेमंत शटर क्लोज करके वहां से भाग गया।